तो मैं आपको सिखाता हूँ एक और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रैशनल एक्शन होती क्या है, बहुत आसान होती है, स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, LHS में डिवाइड कीजिए। डिवाइड कर लिया, अब क्या करेंगे, इस पार्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको नोट करिए, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। कैल्शियम इज 1, ऑक्सीजन 2 एंड 4, टोटल दे रखे हमारे 6 दे रखे हैं। देन हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन इज 2, टोटल 4, सल्फर ओनली गिव ओनली 1। सेम वर्क इधर भी, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, देन हाइड्रोजन 2, देन सल्फर इज ओनली 1। क्लियर। अब चेक करिए कि दोनों साइड में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। कैल्शियम की बात करता हूँ तो कैल्शियम वन, ऑक्सीजन 6 एंड 5 मेजर डिफरेंस, हाइड्रोजन इज 4 बट हाइड्रोजन इज ओनली 2, सल्फर इज वन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन डिफरेंस बोथ साइड, देन क्या करेंगे अब कि आप यहाँ पे देखिए 4 तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना हो गया हमारा 4 हो गया। तो यहाँ पर 2 कर दीजिए क्योंकि हाइड्रोजन हमारा 4 दे रखा, तो ये भी 4 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन में भी होगा, तो क्या होगा यहाँ पर हमारी मैथमेटिक्स थोड़े से क्या हो जाएगी, यहाँ पर चेंज हो जाएगी। 2 अब टोटल कितना हो गया हमारा यहाँ पर 6 हो गया, 6 हो गया। कैल्शियम इज वन, सल्फर वन। ये क्या हो गया, हमारी रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी। आप रिएक्शन की प्रैक्टिस करिए लगातार, मेरी वीडियो देखेंगे तो बहुत आप सीख जाएंगे किस तरीके से ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है केमिस्ट्री में बैलेंसिंग का। तो आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिसको सीखनी है केमिकल इक्वेशन उनको जरूर शेयर कीजिएगा आप, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।